हेलो, ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर चूज किया है। तो डियर, अगर मैं बात करूं कि आने वाला 3 साल आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं पास्ट की बात करना चाहूंगी कि पास्ट के 3 से 4 सालों में क्या हुआ। ठीक है, तो 3 से 4 सालों में हो सकता है कि आपने कोई जगह छोड़ी हो। ठीक है, अब वो जगह या तो आपकी ऑफिस की हो सकती है, छोड़ी मतलब चेंज करी, या आपका घर में चेंज करा है। कोई तो ऐसी चीज थी जो आप छोड़ के गए। ठीक है, और जब आपने छोड़ा ना, तब आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब छोड़ा तो वो एक्चुअली आपके लिए बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहा और बदलाव था। कोई चीज आपकी कंप्लीट थी, कंप्लीट हुई मतलब कहीं पे काम करते हो तो उसका काम का टाइम पूरा हुआ, या एनीथिंग। आप में से कुछ लोग, शायद 1% लोग, ओनली 1% लोग शायद फैमिली से कहीं अलग हुए। ठीक है, पिछले 3 साल, 3 4 साल पहले की बात, या मतलब आप लोगों की लाइफ में जो चेंज आया ना, वो चेंज ऐसा था कि आप एक बहुत ही अच्छे ऐसे वातावरण में रहते थे जहां पे आपके आसपास इतने सारे लोग थे, सपोर्ट था, प्यार था, पैसा था। बट उस सिचुएशन से निकल के आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पे आप अकेले हो गए। ठीक है, अकेले हो गए, आपको वहां पे ऐसा फील कराया गया जहां पे आपके साथ कोई नहीं है। ठीक है, आप भले ही पैसे कमा रहे थे, चाहे कुछ भी था, बट जो सिचुएशन जहां पहले आप बिल्कुल हैप्पी फील करते थे, सपोर्टेड फील करते थे, बट उस सिचुएशन से आप अकेले हो गए। आपकी सारी, जहां आप पहले बहुत ज्यादा हंसते थे, खिलखिलाते थे, ठीक है, अब वहीं पे आप अकेले सैड, मतलब बहुत ज्यादा सैड। मैं अगर सैड बोलती हूँ तो बहुत ज्यादा सैड नहीं, बट हाँ, कभी कभी हम अंदर से मायूस होते ना और बाहर दिखाते नहीं, वो चीज। तो कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब या तो आप फैमिली से आपने शिफ्टिंग करी, या आपका जॉब चेंज हुआ, या लोकेशन चेंज हुई, एनीथिंग, जो कुछ कंप्लीट हुआ। आप में से 1% लोगों का शायद कोई रिलेशनशिप जो था वो ब्रेक हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि जहां आप पहले अच्छे लोगों के बीच में थे, वहीं आप ऐसे लोगों के बीच में आ गए जहां पे लोग सारे आपकी बुराई करते हैं, मतलब क्रिटिकल हो गए, और आप बहुत अकेलापन फील करने लगे। आपकी कोई इच्छा, विश और होप होती है ना, मतलब हमारे दिल की जो इच्छा होती है, शायद आपकी वो इच्छा कंप्लीट भी नहीं हुई। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए जो एक्चुअली अच्छे नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना किया है, या स्ट्रेस का सामना किया है, मतलब सपोर्ट जो फील होता है ना लोगों से, वो सपोर्ट नहीं मिला, या आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहां पे आपके आसपास के लोगों से या फ्रेंडशिप नहीं थी, आप अकेले पड़ गए, और एनीथिंग। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। या पास्ट में एक चीज ये भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, सिर्फ 1% ट्रू हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपकी फैमिली में शायद किसी की डेथ हुई है, या एनीथिंग, ये चीज भी हो सकती है। ओके, और अगर अब मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट की मतलब जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम, उस साल की बात करूं, तो डियर, अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आपने जो चीजें झेली हैं, आपकी सिचुएशन में, मतलब आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। मतलब पहले भी लोग आपके दुश्मन थे और अभी भी हैं, बट अब आप इन सारी सिचुएशन से फाइट करना सीख गए हो। आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि जहां पहले आप बहुत परेशान रहते थे, उदास रहते थे, रोते रहते थे, या कोई भी ऐसी चीज होती थी, बट अब आप सिचुएशन से डील करना सीख गए हो। आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशियल भी कोई अच्छी चीज हुई होगी, या फाइनेंशियल सपोर्ट, या कोई आइडिया आपको आया होगा, मतलब एनीथिंग, फाइनेंसेस को लेके कुछ तो अच्छा चीज हुआ होगा, या अच्छी कोई ऐसा आइडिया जो इम्प्लीमेंट करना होगा, एनीथिंग। फाइनेंसेस को लेके आप में से बहुत सारे लोग शायद इंडिपेंडेंट या होंगे, और इंडिपेंडेंट नहीं भी तब भी फाइनेंसेस को लेके आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा काम करूं तो मैं फाइनेंस, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप कुछ सोच रहे होंगे, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो। बट हाँ, अब आप, पता है क्या है, अब आपने ना लोगों को जवाब देना सीख गया, सीख गए हो, सॉरी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है, मतलब
पहले आप हर्ट होते थे, परेशान होते थे और चुप हो जाते थे, बट अब यू है ना फाइट बैक कर रहे हो, और बट अभी भी आपके पास साथ लोगों का साथ तो नहीं है, लोगों का सपोर्ट तो अभी भी नहीं है, अभी भी आप अकेले तो अंदर से हो, ठीक है, अभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको लोनली फील कराया जाता है, एक एज अ आउटसाइडर फील कराया जाता है, और ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे ना मतलब पता नहीं आप कुछ हो ही नहीं, ऐसे ट्रीट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो। जो भी परिस्थिति आपके साथ हुई है, गुजरी है, इन सारी चीजों ने ना आपको स्ट्रांग बना दिया। ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसी होती है ना, जब हमें कोई फीडबैक देता है या कोई हमारी बुराई करता है तो उस टाइम पे हमें तो सही नहीं लगता, बट जब हम उन चीजों पे एनालाइज करते हैं, जब हम चीजें सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे करेक्ट किया जाए, कैसे सिचुएशन को सही किया जाए, और फिर हम जैसे उभर के आते हैं, आप भी वैसे ही अब उभर के आए हो, ठीक है ना। बट फिर भी अकेलापन तो कहीं कम नहीं हुआ, और इवन आप में से कुछ लोगों का शायद एक रिलेशनशिप टूटा है, या मतलब कोई बात नहीं बनी, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ओके। मतलब लाइक वो क्रिएटिविटी, वो फन, वो बैलेंस, वो जो कहते थे ना, जो बहुत मस्तीखोर इंसान था कभी आप पहले जमाने में हुआ करते थे, वो चीज अब बहुत कम हो गई। अब आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो शायद से, या अब आपने बहुत ज्यादा लर्न कर लिया है चीजों से, आप सीख गए हो और लर्न करके आप मैच्योर हो गए हो। हाँ, जहां आप पहले बहुत ज्यादा बच्चे टाइप थे, अब आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो, आपने चीजों को बैलेंस करना सीख लिया है, और हाँ अभी भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हो। मैंने कहा ना, आपके आसपास की सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, वो तो वैसी की वैसी है, बट आपने अपने हालातों के बदलने के बजाय आपने खुद को बदल लिया है और खुद को स्ट्रांग कर लिया है, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब बहुत ज्यादा कंप्लेन ना करके एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और बैलेंस वर्ड आ रहा है, ठीक है, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, बैलेंस इन एनर्जीज विल कर्ब द ऑसिलेशंस, मतलब जो भी राइट रॉन्ग जो भी चीजें थी ना, मतलब लाइक बैलेंस करना सीख लिया है, लाइक ऐसा चीज दिख रही है, और इवन बैलेंस जो है वो जस्टिस दिखाता है, बैलेंस जो है जस्टिस और एनीथिंग लाइक ना तराजू। सो आपने ना बिल्कुल चीजों को फाइन लाइन करके कैसे किसके साथ कैसा बिहेव करना है, आप वो चीज सीख गए हो शायद। आपकी जो इच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को एक लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, या तो एक अच्छा मकान और एक अपने लिए अच्छी सुविधाएं, मतलब फैसिलिटीज, ये सब चीज चाहते हो। और इवन अगर आप अपनी जॉब में हो तो जॉब में एक हायर प्रमोशन, ग्रोथ, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, जॉब में प्रमोशन तो चाहते ही हो, एंड मतलब एक ऐसी जॉब चाहते हो, या एक जॉब में, या आप जहां पे भी आप काम करते हो, अगर आप काम करते हो तो वहां पे आप एक ऐसी सिचुएशन चाहते हो जहां पे सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, काइंड हार्टेड हो, सपोर्ट करें। और अगर आप जॉब नहीं करते हो, आप अगर आप हाउसवाइफ हो, तब भी आप ये चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप आराम से सुख चैन, सुख मिले, है ना, लग्जरी मिले, इवन मटेरियलिस्टिक बेनिफिट लाइक ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स और एनीथिंग। आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ओके, प्रेगनेंसी, सुंदरता, लग्जरी, कंफर्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, और फाइनेंसेस को लेके आप ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। तो ये जो सारी इच्छाएं हैं आपके, जो भी इच्छा है ना, स्पेशली मुझे मटेरियलिस्टिक इच्छा बहुत ज्यादा दिख रही है, और जो सेकेंड इच्छा है कि आप स्ट्रांग रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल ना बोल्ड, ये चीज चाहते हो। तो बोल्ड तो आप बन गए हो, ठीक है, बन गए हो और बन भी रहे हो, बट अगर मैं बात करूं कि आपकी ये फाइनेंशियल जो इच्छा है, या आपकी मटेरियलिस्टिक जो इच्छा है, और एक और चीज मैं कहना भूल गई, आप में से कुछ लोग शायद जो सिंगल हैं, या मतलब लाइक दे वांट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, या लव लाइफ में अगर जो लोग सिंगल है और जो एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, ओके, मैरिज मटेरियल टाइप, जो उन्हें बिल्कुल है ना आराम से रखे, कंफर्ट से रखे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, ठीक है, और अगर शादीशुदा हो तब भी आप एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, अच्छी जिंदगी वैसे सब लोग चाहते हैं, ठीक है, यस, एंड आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी या बेबीज, ओके,
एंड अगर बात करूं डियर कि ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं आपकी कब पूरी होंगी, सो इन जो जिस साल में आप ये वीडियो देख रहे हो उस साल में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, उस साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है आने वाला, उसमें मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कम चांसेस नहीं, स्ट्रांग चांसेस हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं ना वो पूरी हो जाएंगी। आप में से जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है, यहां तो दिख रहा है ना, या घर बनाना चाहते हो तो घर अच्छा बनेगा, और अच्छा मतलब इमोशनली फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। एंड जब मैंने ऐसे ही पूछा कि ये इच्छाएं जो हैं आपकी वो इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, तो डियर देखिए आया कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स, तो आपको खुद पे विश्वास तो रखना पड़ेगा, आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे तो यू हैव टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल कि यस ये मेरी लाइफ है और मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, ये ले रही हूं। इतना बोल्ड, इतना करेजियस, इतना अपने आप पे विश्वास, खुद का सेल्फ एस्टीम, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इतना हो कि आप अपनी लाइफ में जो डिसीजन लो वो मतलब आपको यकीन हो अंदर से कि हाँ ये वाला जो डिसीजन है ये सही होगा। स्पेशली सोशल, लोगों से बातचीत करना, एंड जैसे क्वीन ऑफ वांड्स कैसे होती ना, बातचीत करती एकदम रोबदार अंदाज में, ठीक है, कि लोग उसके कायल हो जाते हैं, इमोशनल इमोशनल नहीं होती वो, ठीक है, रोबदार अंदाज में बिल्कुल एक ब्यूटीफुल चार्मिंग और एकदम ऑर्डर देने वाली चीज होती है, ठीक है। सो इतना पैशन, इतना बोल्डनेस, इतनी करेजियसनेस अगर आप अपनी लाइफ में लाते हो तो आपकी ये सारी इच्छाएं जो है डियर वो पूरी होंगी। डियर अगर बात करूं कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका कैसा जाने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर आपका मतलब आप जो चीज चाहते हो अपनी लाइफ में, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप, मटेरियलिस्टिक चाहना, या मकान, जॉब, नौकरी, कोई भी चीज, जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा इच्छा थी आपके अंदर, उस चीज को लेके आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे, आपका ना अंदर से लगेगा नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, एंड लिटरली आपको आपकी लाइफ में ना और कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ जो चीज चाहते हो ना आपको बस वही चीज चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए आप बहुत मेहनत करोगे। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं, या मतलब जो भी चीज आपको चाहनी है, पानी है, उस चीज के लिए आपको अगर ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल भी दिख रहा है, और एनीथिंग मतलब लाइक जुनूनियत जो होती है ना वो होती, बट ये पॉजिटिव वे में होंगी, ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोग, मैंने कहा था ना कि बेबी अगर बेबी चाहते हो तो बेबी भी हो जाएगा, एंड क्रिएटिविटी, एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, एक लग्जरी, एक कम्फर्ट, एक पीस, एक हैप्पीनेस, वो सारी जो चीजें ना होंगी वो सब भी आएंगी, क्योंकि ये सब ऐसे नहीं आएंगी, ये सब एक्चुअली तब आएंगी जब आपका स्ट्रांग विल, आपने जो चीज चाही है ना दिल से, स्ट्रांग डिजायर, जो स्ट्रांग डिजायर है वो स्ट्रांग डिजायर आपका काम कर रहा है, और उसकी वजह से आप ये सारी चीजें पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके ना दिल में ना इतना ज्यादा स्ट्रांग डिजायर हो जाए कि आपके आसपास के लोगों से ना बने, मतलब एक बिल्कुल कड़क इंसान के रूप में, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लिटरली लग रहा है कि हो सकता है कि है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली ना ये आप ही का बनाया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने जो चीजें अब तक सहते आए हो, जो चीजें आप लाइफ में अब तक कॉम्प्रोमाइज करते आए हो, अब आपको लगेगा नेक्स्ट ईयर तक आपको लगेगा कि नहीं अब और नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में डिसीजन लेना ही है, और आप डिसीजन लोगे, ठीक है। अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, अगर आप मतलब मैरिज को लेके हो सकता है, और मकान को, जॉब को, कोई भी चीज, ठीक है, उस चीज के लिए डिसीजन होगा। बट जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो देखिए ये साई बाबा का कार्ड है, एंड साई बाबा का कार्ड हमेशा एज अ सजेशन आता है, सो अगर साइलेंस एज अ सजेशन आया है तो कहीं ना कहीं आपका जो थोड़ा सा ना होता है ना एग्रेसिवनेस जो होती है, क्योंकि देखिए बी एसर्टिव, आप एसर्टिव रहोगे पूरे साल, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके एक साल बाद, आप एसर्टिव रहोगे कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए ना बिल्कुल फिक्स नेचर, तो
थोड़ा बहुत ना फ्रिक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं आसपास, क्योंकि आपके डिजायर्स, आपके होप्स, आपके विशेस कोई और तो समझ नहीं सकता ना, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि आप किस फेस से गुजर रहे हो, बट आप जानते हो कि आप किस फेस से गुजर रहे हो। इसीलिए शायद ये सजेशन का काढ़ा है साइलेंस, और यहाँ पे भी पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब जो भी चीज करो बहुत शांति से करो, बहुत ही थोड़ा सा आराम से दिमाग को बहुत ठंडा रख के करो, ओके, नो नीड टू वरी, ओके, नो नीड टू वरी, आपकी जो भी होप्स विशेज हैं वो सारी फुलफिल होंगी। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ, बाकी सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, जो लोग शादी करना चाहते हैं या जो लोग मतलब अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो रास्ता है वो बहुत इजी नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है, उन्हें फाइट करना पड़ेगा, अपने प्यार के लिए फाइट करना पड़ेगा, ओके? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा निकलने वाला है कि आपको अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, आप जो चीज चाहते हो और उसके बाद वो चीज मिलेगी। बट अगर बात करूं नेक्स्ट 2 और 3 सालों के बाद, तो देखिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आज आप जो पेन सह रहे हो, आज आप जिस चीज के लिए प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, वो 1 साल और, ठीक है, और उसके बाद एवरीथिंग विल बी लाइक सेटल्ड, सारी चीजें सेटल्ड हो जाएंगी। देखिए सेटल्ड कैसे, मतलब आपका जिस भी इंसान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानी सेटल हो जाएगी, ठीक है, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, इवन सेटल्ड, ठीक है, फाइनेंसेस वाइज हो सकता है आपको एक स्टेबल कैरियर मिले, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, मतलब आपकी लाइफ एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी जहां पे आप एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचोगे, इवन फाइनेंशियल वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, और आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, कंट्रोल, मतलब आप लोग ऐसे गंभीर और सीरियस तो कैसे बोलूं, बट हां इतनी गहरी पर्सनालिटी हो जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो इतना ट्रैवल किया है आपने, ठीक है, इतना जो सारी चीजें फेस करी है आपने, आपके लेसन्स लर्न कर लिए होंगे आज से 1-2 साल बाद, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पे आओगे जहां पे ना आपकी फ्रीडम आपके हाथ में होगी, ठीक है, आपकी फ्रीडम आपके हाथ में होगी, और जो भी चेंजेस होंगे ना फिर बहुत जल्दी होंगे, सारी चीजें अच्छी होंगी, मतलब लाइक सारी चीजें अच्छी, मतलब कैसे अच्छी, ऐसे होंगी बिकॉज आपके अंदर इतना पैशन होगा, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी, और लाइक कैसे बोलूं मैं, लाइक सब चीजें गुड होती ना, जब एक चीज अच्छी होती है तो अच्छी अच्छी चीजें होती रहती है, वही चीज जो होगी ना वो आपके साथ होगी, एंड यू विल फाइंड अ न्यू फ्रीडम, एक नया फ्रीडम, और आप में से बहुत सारे लोग जो शादी का प्रॉब्लम था वो शादी भी स्टेबल हो जाएगी। अगर आपकी शादी टूट, मतलब शादी नहीं चली पास्ट में, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, और इवन मतलब लाइक फैमिली, एक अच्छी फैमिली जो आप चाहते हो ना वो फैमिली होगी, ओके, और एक वेरी गुड, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स, ओके, बट एक चीज ये है, आप ये है, होता ये ना जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है, जब उसको लगता है कि ओके मेरे पास अब सब कुछ है, तो थोड़ा सा प्राइड जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है, फिर वो कभी कभी क्या बोलता है, क्या करता है, उससे भी शायद थोड़ा ध्यान नहीं रहता। तो आपके लिए सिर्फ यही चीज है डियर, कि आप जिस अभी पेन से गुजर रहे हो, जो भी चीजें हैं आपके साथ जो दर्द दे रही हैं, वो सारी चीजें आप याद रखना, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, जब हम हमारा बुरा टाइम याद रखते हैं तो वो हमें ग्राउंडेड रखता है, वो हमें ना हमारी जड़ों से जोड़ के रखता है, फिर हम बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाते, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अदरवाइज आप में से जो लोग सिंगल है, मतलब एक अच्छा इमोशनली हैप्पी वाला मोमेंट दिख रहा है, और हर इंसान के अंदर बैड क्वालिटीज और अच्छी क्वालिटीज होती है, तो वो उसका समावेश ही एक इंसान बनाता है, एक इंसान को बनाता है, सो वो चीज होगी। और मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें जल्दी होंगी, जल्दी हो सकती है, या आप बहुत क्विकली एक्ट करोगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, या हर चीज में आप बहुत जल्दी करोगे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एंड बस यही है, मतलब आगे से आज से आने वाले 2-3 साल में अगर आपके साथ जो भी चीज अच्छी हुई है, आप ये चीज याद रखना कि यू आर ब्लेस्ड, और उस ग्रेटिट्यूड में रहना, उस ग्रेटिट्यूड में रहना और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना, देन आपके साथ कुछ रॉन्ग नहीं होगा। बट हाँ,
ठीक है, जहां पे आप ये चीज भूल गए ना तो फिर वहां पे मिस्टेक्स के चांसेस हैं। ओके एंड सी, अगर मैं बात करूं गाइडेंस की, अब आपको क्या करना चाहिए, सी रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम ट्रॉमा, फ्रॉम पेनफुल एक्सपीरियंस, फ्रॉम हर्ट, जो भी खराब नेगेटिव क्वालिटीज है उनसे रिकवरी, ठीक है, इवन हेल्थ से रिकवरी। तो आपको उस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए। सरेंडर, जब कोई चीज हमसे नहीं बनती, जब सामने वाले इंसान का बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है या हमारे या आसपास की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, सरेंडर, जस्ट सरेंडर, यूनिवर्स में छोड़ देना चाहिए। और सी द हर्मिट, ये हर्मिट का कार्ड ना बहुत कम गिरता है मेरे कार्ड्स में, एंड जब गिरता है तो मैं बहुत स्पेशल मानती हूँ। सो ये कार्ड यही शो करता है कि हमारी एक अंदर की जो डिवाइन गाइडेंस है ना, हमारे अंदर की एक आवाज होती है जो बोलती है ओके ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वो जो आवाज होती है ना हायर सेल्फ की, उस आवाज को सुनना है आपको, आपके दिल की, आपकी आत्मा की आवाज जो आपको बोल रही है ना, डू दैट। एंड ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है सेवा है, अनकंडीशनल सेवा जो कहते हैं ना, बड़े नसीबों को मिलता है मौका, भाग्य, ठीक है, भाग्य वालों को मिलता है जो कोई अनकंडीशनली सेवा कर सकते हैं। कितने लोग, अमीर लोग बैठे होते हैं पर वो सिर्फ कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक सेवा करना, लोगों की सेवा करना का भी पुण्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग अनकंडीशनली जिसके भी हेल्प कर सकते हो आप उनकी हेल्प करो। और अगर आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मटेरियलिस्टिक इच्छाओं से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो उसे थोड़ा सा कम कर दो। जब हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं या डेस्परेशन हो जाता ना, तो चीजें थोड़ी स्लो हो जाती है, यूनिवर्स थोड़ा काम करना थोड़ा कम कर देता है। सो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स में है। एंड मेंशन एंड रिमेम्बर योर सपोर्टर्स, तो हमारी लाइफ में सब दुश्मन हो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तो दोस्त होते हैं, तो जो लोग आपके दोस्त हैं, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, आप उन्हें हमेशा याद रखिए, उनसे हमेशा अच्छी बना के रखिए, ठीक है। हनी शुगर अबंडेंस, मैंने कहा ना, मतलब लाइक आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे अच्छा टाइम आने वाला है, स्पेशली 1-1.5 साल बाद आप लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी चीज होने वाली है। हार्मनी, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब इस कार्ड का मतलब तो शायद मुझे नहीं समझाने की जरूरत है। ओके गाइज, सो ये थी ग्रुप नंबर 1 ब्लू वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये मरून कलर चूज किया है, तो डियर अगर मैं बात करूं कि आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स कैसे रहेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपके पास्ट के बारे में। देखो, आप एक्चुअली एक बहुत मेच्योर सोल हो, आपकी एज कोई भी हो सकती है, बट आप मतलब मेच्योर हो, ठीक है, मेच्योर हो, बट मेच्योरिटी में आपने ना सीरियस नहीं रहते हो आप, ठीक है, हंसी मजाक करते हो, आपको हंसी मजाक करना पसंद है, हर एक मोमेंट में ऐसे रहते हो, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है वो ही फ्रेश पर्सनालिटी है, खुश रहने वाली पर्सनालिटी है। ओके, क्योंकि है ना, आपको शायद बहुत सारी चीजें ना, आपकी जो सोल है ना वो अवेयर है, मतलब लाइक कि ये सारा वर्ल्ड जो है वो एक इल्यूजन है और मैं एक आत्मा हूं, और वो जो सारी ऐसी जो चीजें होती ना, वो सारी शायद आपको बहुत पता है। और देखिए, आपकी जो सोल है ना वो एक ऐसी सोल है जो हर एक पल में, हर एक छोटी छोटी चीजों से खुश होने वाली सोल है, हर एक मोमेंट में जीते हो, और जो पास्ट के जो 3-4 साल निकले हैं उसमें लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की जैसे मतलब कुछ लोगों की जो शादी योग्य थे उनकी शादी हुई, ठीक है, या आपके घर में शादी हुई, आपके घर में फंक्शन हुआ, या आपके बेटे की शादी हुई, बच्चे की शादी हुई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देयर वॉज अ सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, और कोई भी ऐसी चीज, और इवन सक्सेस दिख रही है, ठीक है, मतलब पास्ट 3-4 सालों में अच्छी सक्सेस मिली है, या आपका घर बना है, या घर नहीं भी तभी मैरिज हुई है, और आप लोगों से जुड़े हो, खूब सारे लोगों से आप जुड़े थे, और मतलब और इवन शायद करियर को लेके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज
या तो आपके दिमाग में आपके आइडियाज थे, आप कुछ काम करते थे, या मतलब करियर को लेके भी मुझे अच्छी चीज लग रही है, और इवन फैमिली लाइफ भी अच्छी लग रही है। ठीक है, हाँ एक चीज ये है कि शायद आप किसी से दूर थे, है ना, स्पेशली योर मदर और मदर फिगर, आप किसी से दूर थे, उन वो दुख था पास के 3-4 सालों में, या अभी भी हो सकता है, बट हाँ वो दुख है कि दूर जाने का दुख, अपने फैमिली वालों से या किसी को मिस करते थे उससे दूर जाने का दुख, वो चीज दिख रही है ना। बट हाँ जो एक और चीज है, जो पास के 3-4 साल आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे ऑप्शन सोचे कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, आपने ट्राई करी, कुछ अच्छे चले, कुछ नहीं चले, मतलब लाइक अपने अपने करियर में ना बहुत हिट एंड ट्रायल करे होंगे। बट एक्चुअली पता है क्या, आपको जो सक्सेस जो मिली, आपको जो भी चीजें हुई आपके साथ, वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं हुई, मतलब बहुत इजी नहीं रही। आप क्योंकि आप अंदर से ना बहुत, आप बाहर से भले जितने सॉफ्ट दिखते हो ना, आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब चट्टान का सामना करने वाली सोल हो। ठीक है, आपको पता है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि आज मैं जो काम करूंगा उसका फल मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो देखिए, यहां पे भी फ्लावर है और यहां पे भी फ्लावर है, तो आप एक्चुअली ना, आपने कुछ ना कुछ पास के 3-4 सालों में कुछ कड़ी मेहनत करी, जिसकी वजह से आपको शायद सक्सेस मिली। ठीक है, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिली, या ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं हुआ आपकी लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी, बहुत ज्यादा हिम्मत रखी। ठीक है, और बहुत अवेयर सोल हो यार आप लोग, बहुत ही कैसे बताऊं मैं, मतलब लाइक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते ना, जैसे हम जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है, खाना पीना सोना, वो नहीं, आपकी जो सोच है ना, वो ही बहुत हाई है। इसीलिए आपको पता है यूनिवर्स के लॉज और लाइक बहुत सारी चीजें ना आपके साथ हैं। ठीक है, और पास के 3-4 सालों में आपने ना जो चीजें समझी हैं, लर्न करी हैं, उन्हें प्रैक्टिस में लाए हो, जो पढ़ा है आपने उन्हें प्रैक्टिस में लाए हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शायद आप कहीं बाहर, कुछ पर्सन लोगों के लिए, जरूरी नहीं है सबके लिए, जो लोग बाहर जाना चाहते थे वो बाहर नहीं जा पाए, या कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए, या फिर किसी से दूर हो गए, ये चीज भी हो सकती है, मतलब किसी रिलेशनशिप से दूर हो गए, या किसी मदर फिगर से दूर हो गए, जो याद वाली चीज दिख रही है। बट हाँ, आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत फेथ रखा, बहुत सब्र रखा, आप अपनी मेहनत करते गए, और उस मेहनत की वजह से आपको ये लाइफ में सक्सेस मिली, आपको लाइफ में ग्रोथ मिली, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स मिले। आपने बहुत सारी चीजें सोची, ट्राई करी, उनमें से कुछ चीज चली, नहीं चली। एंड रेड ग्रुप, अगर मैं बात करूं आपके प्रेजेंट की, तो डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास ना बहुत ज्यादा कमी नहीं है। ठीक है, फाइनेंसिस वाइज कमी नहीं है, आप सपोर्टेड फील करते हो, आप आपकी फैमिली फाइनेंसिस अच्छी है, या मतलब ओके है, इतनी अच्छी है कि आप सेटिस्फाइड फील करते हो, मतलब फाइनेंसिस को लेकर शायद कमी नहीं है। बट फिर भी पता है क्या होता है, एक होता है ना, जो जब सब कुछ होता है तब भी कोई कमी महसूस होती है, लगता है कि यार कुछ तो कमी है, मतलब क्योंकि आप एक मैच्योर सोल हो, आप एक बहुत ही इवॉल्व सोल हो। ठीक है, हर चीज को सेंस करते हो, स्पिरिचुअलिटी, तो आपका क्या मन जो है ना, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, भले ही आपके पास सब कुछ होगा, बट फिर भी लगता है कि नहीं कुछ कमी है, और वो जो कमी है, वो कमी एक्चुअली आप जहां आप हो अभी, जिस सिचुएशन में हो, आपकी जैसी भी सिचुएशन है, वो कमी ऐसे तो फुलफिल नहीं होंगी। ठीक है, उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, लाइक सब कुछ है, पैसा, एनी एवरीथिंग, मतलब जो एक इंसान को खुश करता है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, वो है। ठीक है, या नहीं भी होगा तब भी, फिर भी इतना है कि आपका काम चल जाता है, मतलब नो कंप्लेन एज सच लाइक, बट फिर भी कुछ कमी है। अब वो कमी पता है क्या है, वो कमी है कि आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना है, मतलब जहां आप शायद अगर घर पे बैठे हो, जॉब नहीं करते हो, तो आपको जॉब करनी है, और अगर आप जॉब करते भी हो, आपके पास फाइनेंसेस है, आप जॉब करते भी हो, तब भी आपको एक ऐसी जॉब करनी है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन दे,
ठीक है, आप अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ के एक एरिया से खुश नहीं हो, शायद जॉब पार्ट से खुश नहीं हो, या आप कुछ करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, आप बड़ा कुछ करना चाहते हो, और वो भी स्पिरिचुअलिटी, सेल्फलेस सर्विस, एनीथिंग, मतलब कुछ हटके करना चाहते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई एमएनसी में जाना, ग्रोथ करना, वैसा तो इच्छा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, बट ऐसा इच्छा दिख रहा है कि आप कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, ये चीज दिख रही है। बाकी आप मतलब लाइक शायद आपकी जो शादी हुई थी या आप फैमिली आपकी अच्छी है और एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही है, आपका करियर और सब कुछ सही है, बट हाँ आपका कुछ सीक्रेट डिजायर है कि आप अपनी लाइफ में, आपका मोटो है कि आप कोई सेवा करो, अनकंडीशनली सेवा करो, या आपको इसकी एनजीओ से जुड़ो, या आप कोई हीलिंग करो, हीलिंग कोर्स करो, एनीथिंग अलग हटके, लीक से हटके आपका इंटरेस्ट है, वो आप करना चाहते हो, या अकल साइंस, 1% चांस है अकल साइंस का, बट हाँ कुछ तो ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, आपके प्रेजेंट प्रेजेंट जो भी फील्ड है अगर आपका, उससे हटके आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। पता है होता ये ना, जैसे एक सोने का पिंजरा और उसमें कैद फील करते ना, वो चीज, आप लिटरली ना आसमान में उड़ना चाहते हो, और आपके जो दिल की इच्छा है ना, आप जो फील करते हो वो करना चाहते हो, यू लिटरली वॉन्ट टू फ्लाई, आप फ्लाई करना चाहते हो, आप देखते हो कि अच्छा यार ये इंसान भी तो ऐसे कर रहा है, मतलब ये इंसान कितना अच्छा कर रहा है, वो इंसान कितना अच्छा कर रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई, यू ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई, ठीक है। ओके, एंड इट इज नॉट, ये बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी क्या है ना, आप एक बेसिक लेवल से ऊपर उठ चुके हो, तो आपकी जो इच्छा है ना, अब वो भी ऊपर वाली इच्छा है, मतलब लोअर वाली इच्छा ही नहीं है, लोअर क्वालिटी वाली इच्छा नहीं है, आप मस्ती करना चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, और मतलब कैसे बताऊं यार, एक स्टेज होती है ना हमारी लाइफ में जहां पे हम फ्री रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बंधनों से मुक्त होके, बहुत ज्यादा बंधनों में नहीं रह के, एक ऐसे वातावरण में जहां पे ग्रीनरी हो, और जहां पे हम आराम से, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, हम जो दिल की इच्छा है हम वो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, मैच्योर सोलो, ठीक है, आप मैच्योर, एक देखिए मैच्योर मैंने कहा ना, मैच्योर सोलो आप, डियर देखिए ये जो सारी जो चीज है ना आपकी, आप जो चीज चाह रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअली होगी बाय टर्निंग इन। सी टर्निंग इन, ये कार्ड रिवर्स में आया था तब मैं समझ गई थी कि शायद यहां प्रॉब्लम है, लाइक जस्ट मेडिटेट, आप मेडिटेट करो, आप जितना ज्यादा, जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाए, जरूरी नहीं है हम किसी सेंटर से जुड़े, जरूरी नहीं है हम कुछ पढ़े, या बस, पर जरूरी ये है कि हम खुद से कनेक्टेड रहें, हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग, हमारा अंदर की जो आत्मा है ना, उससे कनेक्टेड रहें, लाइक आप सबसे पहले खुद से कनेक्टेड रहो, थोड़ा सा खुश और हैप्पी जब फील करोगे, उसके बाद एक और गाइडेंस आइए, अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने घर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, तो डू दैट, ठीक है, आपकी जो इच्छा है ना कुछ अलग हटके करने की, तो वो आप करो, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सेटल होने में, बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको गाइडेंस मिल रही है, कि एंजेलिक जो गाइडेंस होती है ना वो, कि अब आपका टाइम आ गया है कुछ अच्छा और हटके करने का, नया करने का, सो अगर आप कुछ सोच रहे हो तो कंसिडर दैट, ओके। मैंने कहा था ना कि आप अपनी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो भी आप काम करते हो, वो चेंज करना चाहते हो, सी अगेन कार्ड में यही चीज आई है, आप शायद कुछ सीखना चाहते हो, और सीख के आप अपना काम स्टेब्लिश करना चाहते हो, राइट? यस, है ना, सो वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू सक्सीड, आप उसके लिए अभी सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, आपकी प्लानिंग है, आपने कुछ सोच रखा है, एंड यू वॉन्ट टू लर्न दैट, वो अकल्ट साइंस भी हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो लीक से हटके, ठीक है, एंड आप अपना काम स्टेब्लिश करना चाहते हो, और आप शायद ट्रैवल करना चाहते हो, या मतलब कहीं अलग जाके सेटल होना चाहते हो, ये भी चीज हो सकती है, या आप अपनी होम टाउन में आना चाहते हो, या अगर होम टाउन में हो तो आप अब्रॉड जाना चाहते हो, एंड डियर अगर मैं बात करूं कि ये जो आपकी सारी चीजें हैं ये आपकी कब कंप्लीट होगी, सो नेक्स्ट वन ईयर, नो, ठीक है, नो, बट नेक्स्ट टू ईयर्स, यस, नेक्स्ट टू ईयर्स में आपकी ये जो सारी चीजें ना वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, बट 2 साल का आपको वेट करना है,
सो डियर, मैं बात करूं नेक्स्ट वन ईयर की, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उससे एक साल बाद की, तो डियर देखिए, आपके फाइनेंसेस में मुझे कहीं कमी नहीं दिख रही, आपके लव लाइफ में मुझे कमी नहीं दिख रही, ठीक है, और आप एक्चुअली फाइनेंसेस अच्छे हैं, लव लाइफ अच्छी है, और आप एक ऐसी पोजिशन में हो जहां आप हेल्प कर सकते हो, बट फिर भी एक कमी है, ठीक है, मतलब पूरा सर्कल बनने में ना वो एक पॉइंट की कमी है, ठीक है, मतलब लाइक देयर इज अ गैप, एक गैप है, सब कुछ कंप्लीट है बट एक छोटी सी कमी है, और वो कमी पे शायद आपका फोकस है, और उसकी वजह से थोड़ा सा मन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील नहीं करता, ठीक है, मतलब लाइक आप सपोर्टेड फील करोगे, आपके पास पैसा का या अबंडेंस की मुझे कहीं कमी नहीं दिख रही है, और इवन हेल्प की कहीं कमी नहीं दिख रही है, एंड आप लोग मेडिटेट भी करोगे, बट यस देयर इज वन, जो मैंने कहा ना कि आप शायद कुछ हटके करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो शायद कुछ, सो वन थिंग, डोंट स्टॉप, ठीक है, देखिए लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की कोई न्यू बिगनिंग शायद अभी तक नहीं सोची या करना चाहते हो, बट 2021 में आप करना चाहोगे, टोटली आप चाहोगे कि अपनी लाइफ की टोटल न्यू बिगनिंग कैसे, मतलब मैंने कहा ना कि आप कुछ अलग लीक से हटके जो करना चाहते हो, तो जो वो करना चाहते हो तो उससे पहले, एक बहुत ही बड़े चेंज से पहले, जो भी हम चीजें सोचते हैं, प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि है ना एक हमें एक ऐसी जॉब चाहिए या हमें एक ऐसा काम शुरू करते हैं जो खुद के बेसिस पे, तो हमें प्रेजेंट जॉब छोड़नी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा सैलरी देखनी पड़ती है, फैमिली को देखना पड़ता है, और बहुत ज्यादा सरेंडर सेक्रीफाइसेस कुछ कुछ करने पड़ते हैं, तो वो जो चीज है ना उन चीजों से शायद आप गुजरो, ठीक है, अगले एक साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर, एंड बट वो जो सारी चीजें होंगी ना वो एक एक्चुअली चेंज लाएगी आपके लिए, लाइफ में एक चेंज लाएगी, इसीलिए शायद डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, एंड रोमांस में मुझे कहीं कमी नहीं दिख रही आपके, बट यस यू विल रिकवर फ्रॉम ऑल दिस वेरी सून, ठीक है, 2021 तक आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी हो भी चुकी है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, और 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर, अगर आप 2020 में देख रहे हो तो 2021 नहीं तो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तक आप उस चेंज के लिए ना प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, वो प्रिपरेशन टाइम जो है ना वो टाइम लगेगा नेक्स्ट ईयर आपका, ओके, और अब देखते हैं आपके नेक्स्ट टू ईयर्स, मतलब नेक्स्ट टू ईयर्स और नेक्स्ट थ्री ईयर्स कैसे जाएंगे, मतलब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उससे अगले दो साल और तीन साल जो है वो कैसे जाएंगे, ओके डियर, अगर मैं बात करूं आने वाले नेक्स्ट दो और तीन साल, नेक्स्ट वन ईयर की बात हो गई, अब बात करूं दो और तीन साल, मतलब दूसरे और तीसरे साल तक क्या क्या हो चुका होगा, एंड डियर ये याद रखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है हर एक चीज सच हो, बट कुछ कुछ चीजें, मतलब कुछ कुछ परसेंट जो है वो बैठ सकता है, ठीक है, सो जनरल प्रेडिक्शन, अगर मोटा मोटा प्रेडिक्शन की बात करूं तो देखो होता यह है कि जब हम कुछ बड़ा काम करने का सोचते हैं या कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, और उसके लिए पहले तो जब हम बातें करते हैं तो लोगों को क्या ज्यादा विश्वास नहीं होता, लोगों को लगता है कि हैं ये तो ये यूं ही बोल रही है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करने वाली, और मान लीजिए आप एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और आप सिर्फ बोल रहे हो कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं वो करना चाहती हूं, एंड अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा, ठीक है, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा तो अभी सब कुछ शांत बैठा हुआ है, ठीक है, बट होता यह है कि जब आप रियल एक्शन लेने का सोचते हो, जब आप कुछ सच में करने का सोचते हो और कुछ करते हो, तब आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सो नेक्स्ट टू और थ्री इयर्स में मुझे लग रहा है कि यहां पे आप जो चीज करने का सोच रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ बड़ा जो भी करने का सोच रहे हो सोसाइटी के लिए, सेल्फलेस, इवन अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी चीज, एनीथिंग, उसमें कहीं ना कहीं आपके घर में ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग आपके जो भी लोग हैं आसपास के लोग वो आपकी बातों को ना समझे, ठीक है, आप जो चीज चाहते हो वो आपको ना समझे,
और आपको मिसअंडरस्टूड करे और आपको रोके कोई भी चीज करने से, तो आप अपनी जो एक फ्रीडम होती है ना, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं आपको जाती हुई लग सकती है, और जिसकी वजह से ना आपको इन सारी चीजों से जो भी बंधन दिखता है ना उससे मुक्त होने की इच्छा होगी। ठीक है, एंड जैसे मान लीजिए, जैसे कभी भी हम कोई बड़ा एक्शन सोचते हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमें सबसे पहले पूछते हैं ना क्यों, या वो ही पहले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो ये चीज हो सकती है, और फैमिली को लेके थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, और आप जो चीज करना चाहते हो उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है और कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए आपको इन सारे, क्योंकि बिकॉज आप कि आप लोग, पता है क्या है, आप लोगों के साथ ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में अब तक जो भी काम हुआ आपकी स्ट्रेंथ और करेज से हुआ, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत हिम्मत दिखाई और हो गया। बट जब आप कुछ अलग और हटके करना चाहते हो, तब लोग अलग से, लोगों का अलग से सामना, लोगों के अपोजिशन का सामना, तो उसके लिए ना भगवान जी आपका टेस्ट लेते हैं। भगवान जी चाहते हैं कि आप इतनी हिम्मत रखो कि आप अपोजिशन का सामना कर सको, ठीक है, सारे हर्डल्स का सामना कर सको, इसीलिए वो सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो आपके आसपास जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी ना, आप ये याद रखना कि वो क्रिएट इसीलिए हो रही है ताकि आप और डेवलप हो सको। तो हो सकता है एक फाइटिंग या लोनलीनेस और कोई भी ऐसी चीज होती है ना, ईगो मूवमेंट्स, टावर मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत ज्यादा वाले हाई इंटेंसिटी पे जो फाइटिंग होती है, वो जो सारी चीजें होती है ना, उसी के बाद जो सोल होती है वो बहुत ज्यादा मेच्योर होती है। एंड इस सब के बाद, ये जो सारी सिचुएशन है उसके बाद होगी आपकी एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद, कि जब मतलब लाइक लाइफ में ऐसी चीजें होंगी होती हैं जब हमें इतनी ज्यादा चिंताएं होती हैं, हम इतने ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम आगे क्या करें। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई साथ देने को तैयार ही नहीं होता। तो सबसे पहले डिटैचमेंट, ठीक है, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। बहुत ज्यादा होप्स नहीं रखनी है आपको कि आपका कोई साथ देगा, ये लड़ाई है या ये जर्नी जो है ये आप ही की है और आपको कवर करनी है। ठीक है, और एक्चुअली आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, जो भी तकलीफें हमें भगवान देता है ना, भगवान हमें हमारे हिसाब से तकलीफें देता है, उन्हें पता होता है कि हम ये चीजें झेल लेंगे इसीलिए वो तकलीफ देता है। तो आप उस टाइम तक इतने स्ट्रांग हो गए होंगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होंगी कि आप वो सब चीजें झेल सको। ठीक है, जो भी सफरिंग है, और ये जो सफरिंग्स है ना, ये सारी इसलिए क्योंकि आप एक अलग लाइफ पर्पस या एक कोई अलग काम कुछ करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। सो एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट सोल लेवल। ठीक है, और डियर सी, आस्क योर एंजल्स, मतलब लाइक आप एक हायर जो सपोर्ट होता है ना उसके लिए आप प्रे करो। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंक्रोनिसिटीज होते हैं जहां हमें लगता है यूनिवर्स हमारे साथ है, एंजल नंबर दिखना, फेदर्स दिखना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और इवन बटरफ्लाई, ईगल्स, टेक एक्शन, आपको इन सारी चीजों से बाहर आना तो हो गई। ठीक है, ओके, अगर अब मैं बात करूं आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए कि आप स्ट्रांग रह सको, क्या करना चाहिए कि आपके आगे फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो, तो सबसे पहली बात, आप जो काम कर रहे हो या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। ठीक है, बी प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहो, और जो भी आप काम करना चाहते हो आप उसमें अपने फाइनेंसेस का बैकअप रखो। ठीक है, आपके फाइनेंसेस एक ऐसी चीज है जो आपको सपोर्ट देंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं कमाते हो तब भी आपके हस्बैंड आपको कुछ सपोर्ट करते होंगे, या कोई तो फाइनेंसेस आपका कुछ होगा, वो आप एक बैकअप तैयार करके रखो। सेकेंड चीज, बी स्ट्रांग, वेरी मच स्ट्रांग, रेडी टू फेस ऑल द स्ट्रगल्स। हाँ, लाइक चैलेंजेस आ रहे ना, अच्छा ठीक है, आ जा मैं लड़ूंगा, ओके फाइन। ये जो चीज होती है ना, ये जो जज्बा होता है ना, वो आप अपने अंदर मेंटेन करके रखो, वो है आपके अंदर और मेंटेन करके रखो। ठीक है, और ज्यादा फैमिली के परपंच में ना, फैमिली जो आप करना चाहते हो ना उसमें आप बहुत ज्यादा फैमिली को इंक्लूड अगर करोगे ना, तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बट आप फैमिली जैसी है आपकी, आप उसे वैसे रखिए, मतलब
अपनी फैमिली को हर एक चीज बताने की जरूरत नहीं है जो आप करना चाहते हो, ठीक है, या आपका पैशन है या आपकी हॉबी है, डू दैट, बट जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको समझता है, आप उन्हें अपनी चीजें बता सकते हो। और आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है, डोनेट 5-10% ऑफ योर पे टू पुअर पीपल, ठीक है, आप अपनी सैलरी का कुछ परसेंट हमेशा डोनेट करो। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, फॉलो इनर गाइडेंस, लव। तो जो भी आपको लगता है ना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, एनीथिंग, सो डियर ये एक्चुअली ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है, यूनिवर्स आपके ना दिमाग में बार बार सिग्नल डाल रही है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और आप जितना जल्दी सुनो तो उतना अच्छा, अदरवाइज निग्लेक्ट करो तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आपका पैशन है, वो लाइफ पर्पस है, वो आपको खुशी देगा। ओके, सो गाइज ये थी रेड वालों की रीडिंग, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी येलो पाइल चूज किया है, तो डियर अगर मैं बात करूं आपके आने वाले 3 सालों की, तो उससे पहले मैं आपके पास्ट की बात करना चाहती हूँ, प्रेजेंट की नहीं बट पास्ट की। पास्ट के 3-4 साल कैसे निकले, तो देखो डियर पास्ट के 3-4 साल हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हुई हो, या आपकी लव जो था आपका, अगर आप किसी पार्टनर के साथ कमिटेड थे तो आपका जो लव था वो एक लेवल अप गया हो, ठीक है, अब वो एक लेवल अप कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रेंडशिप से लव में बदला, लव से मैरिज में बदला, कुछ भी, ठीक है, बट यस लव में मुझे ओके लग रहा है, मतलब लव में मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा, ओके लव में अच्छा दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि लाइक अगर आप मैरिड हो तो पास के 3-4 सालों में लाइक यू वर आप अनएम्प्लॉयड थे शायद, मतलब 1% हो सकता है, या जरूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ, या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो मेन सोर्स ऑफ पैसा था वो आपके लवर या आपके हस्बैंड उनका था, जो भी आपसे प्यार करते थे उनका था, आपका पैसा ओके सा था, या अगर आप नहीं कमाते थे, मतलब मुझे एक्चुअली इस पूरे पाइल में, येलो वाले पाइल में जो पास्ट का जो कमी लग रही है, वो कमी लग रही है फाइनेंसिस को लेके, उनकी जॉब को लेके, उनके करियर को लेके मेन जो कमी लग रही है, बाकी अदरवाइज आपकी लव लाइफ ओके, ठीक है, शायद आप में से कुछ लोग शायद अनएम्प्लॉयड थे या कुछ काम नहीं था, या अगर आपका काम भी था, आप वर्किंग भी थे, तब भी आपकी करियर ग्रोथ वैसी नहीं थी जैसा आप चाहते थे। आपकी बहुत ही स्ट्रांग डिजायर थी पास से कि आप ट्रैवल करो और शायद अब्रॉड जाओ, ट्रैवल करो और मतलब होता है ट्रैवलिंग, फन, ये सारी चीजें आप चाहते थे, ठीक है, और जो भी पास्ट में जो हुआ ना, स्पेशली आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके ना दिमाग में, दिल में आया होगा बस यार अब बहुत हो चुका है यार, अब मैं नहीं सह सकती कि यार मेरे फाइनेंसेस का क्या, मेरे करियर का क्या, है ना, इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ना वेट किया। वो होता ना कि हर इंसान कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का वेट करता है, तो आप लोगों ने शायद बहुत वेट किया कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, अच्छा करियर हो आपका, अच्छा पैसा हो, ठीक है, आप बहुत लोगों को अच्छा काम करते देख रहे थे बट आप नहीं कर पा रहे थे, पास्ट के मैं बात कर रही हूं, मैं 2020 की या प्रेजेंट की बात नहीं कर रही, पास्ट की बात कर रही हूं, और आप उसकी वजह से ये जो स्ट्रेस था ना आपके दिल में, ये इस स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते थे, और आपके दिल में ना एक आपने ठान लिया था कि नहीं यार मुझे अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, ये जो भी सिचुएशन है ना कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है या एनीथिंग, आई वांट टू चेंज इट, मुझे चेंज करना है, ठीक है, और मैं प्रेजेंट की बात अभी बाद में करूंगी, नेक्स्ट वाले पार्ट में करूंगी, बट यस लाइफ में इनकम्प्लीटनेस, कुछ तो कमी, ठीक है, कमी सबकी होती है, बट जो इनकम्प्लीटनेस है ना, एक बैलेंस नहीं था, लव लाइफ, आपकी लव और करियर में बैलेंस जो कहते हैं ना वो नहीं था, शायद लव अच्छा था और करियर ओके सा था, या फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, है ना, बाकी अदरवाइज ओके, आप आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, मतलब आपके फैमिली के पास पैसे होंगे, आपके लवर के पास पैसे होंगे, आपके हस्बैंड के पास होंगे, बट आपके खुद के पैसे शायद ओके से, या बहुत प्रॉब्लम्स थी।
एक चीज ये है कि डियर आपको हमेशा सपोर्ट एज सच आपने मांगा नहीं होगा, बट अगर आपने सपोर्ट मांगने की कोशिश करी होगी या किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करी होगी, आपको हेल्प मिलती है। और जब आपने ठाना, मतलब जब आपने कुछ सोचा, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव हुआ होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने लोगों से हेल्प या आपके फ्रेंड्स से हेल्प, किसी भी सपोर्ट या आपके वेल विशर से हेल्प आपने मांगी हो, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो पास्ट में। बट येस, यू हैव गॉन थ्रू स्पेशली पेन इन योर करियर, जॉब, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यार अगर बात करूं आपके प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में मुझे आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है फंसी हुई, ठीक है, फंसी हुई मतलब ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब लाइक काम है आपके पास, आप ऐसी सोल हो अभी जो अभी मतलब वर्क वाइज या मतलब बोलू फाइनेंसिस वाइज तो अच्छे फेस पे लग रहे हो, या हो सकता है आपके पास अच्छा पैसा हो, अगर आप जॉब नहीं भी करते हो तो पैसा हो सकता है, या मतलब लाइक कुछ तो अच्छा है आपकी लाइफ में ना, बट फिर भी आप अभी फंसे हुए हो बिकॉज आपके ऊपर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपकी शायद लोगों के आसपास के लोगों से नहीं बन रही, आप लिटरली फंसे हुए हो कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, मैं इतना सारा स्ट्रेस में हूं, और ऊपर से ना ये आसपास लोगों की झंझट, एंड ये जो वर्ल्ड का कार्ड ना, ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे कम दिख रहा है, बट ये यहां पे ऐसा लग रहा है कि अ लेडी इज ट्रैप्ड बिटवीन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में कैद है और वो छूटना चाहती है और वो छूट नहीं पा रही, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीजें उसे परेशान कर रही है। ऐसा भी लग रहा है कि उसके आगे उसके रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ही का कोई रिलेशनशिप वाला, या आप ही के हस्बैंड और आपके लवर और आपके पापा मम्मी, कोई आपको बार बार मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए ना, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, और फिर आप गुस्से में आते हो और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और क्लैशेस होते हैं, आप कोई चीज करना चाहते हो आपके दिमाग में है, ठीक है, और आपने बहुत सारी चीजें ना दिमाग में रख रखी है कि देखो हमें नहीं पता होता कि हमारा पर्सनालिटी कैसी बनती जा रही है, हमारा दिमाग कैसा बनता जाता है, कितनी बार हम अपने दिमाग में जाने अनजाने में बहुत सारे जजमेंट लेके बैठ जाते हैं कि ये वैसा है, ये ऐसा है, मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, मुझे ये काम करना है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, तो जो ये सारी चीजें ना आपको बर्डन फील होती है, दिमाग में बहुत हैवीनेस फील होती है, ठीक है, लग रहा है कि आप कहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है, किसी से मिलना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, काम में फंसे हो, या बहुत सारा काम है या जिम्मेदारियां हैं आप पे, ठीक है, और ऊपर से लोगों से भी नहीं बन रही, उसकी वजह से भी हर्ट, ठीक है, हर्ट, टायर्डनेस, फटीग, और ऊपर से सामने वाला बंदा जो है, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, और उसकी वजह से भी झगड़े हो रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, और ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके ओल्ड हैबिट्स, ठीक है, हमारा हैबिट, हमारा पैटर्न्स, ठीक है, उठने बैठने का टाइम, जो भी सब चीजें होती है ना, लाइक ये सारी चीजों में आप फंसे हुए हो, और ये सारी चीजें एक्चुअली एक इल्यूजन है, ठीक है, ये सारी चीजें इल्यूजन है, इंटरनल, मतलब आपके लिए ये एडवाइस है कि जस्ट टर्न इन, ठीक है, जिन चीजों के लिए आप अभी परेशान हो रहे हो, एक्चुअली वो चीजें इतनी ज्यादा वर्थ इट नहीं है, अगर आप फ्यूचर में जाके देखोगे ना, आपको लगेगा यार मैंने इन सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट कर दिया, यार मैंने इन सब चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, मैं और कहीं लगाता, ठीक है, ये चीज हो सकती है। एंड बहुत ज्यादा कंट्रोल, मतलब कंट्रोल मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लाइक ऐसी चीजें दिख रही है, ठीक है, और आपको क्या पता ही नहीं कि आगे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आने वाली है, जो मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताऊंगी, बट येस, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, नथिंग, अभी प्रेजेंट में आप अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आपकी, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा है, फाइनेंसिस वाइज अच्छा है, या कोई चीज अच्छी हुई है, आपका करियर या एनीथिंग या कुछ भी चीज, लाइक जरूरी नहीं है करियर, बट एनीथिंग लाइक आपकी पर्सनालिटी, आपका पैशन, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉन्ड्स के कार्ड आए यार, बहुत ज्यादा वॉन्ड्स मतलब बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब सारे वॉन्ड्स,
एरीज लियो सेजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अगर नहीं भी तो इसमें ग्रह आपके ज्यादा है, लगना है, मतलब बहुत सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात चीज डियर, आप ये सारी चीजें छोड़ दो। ठीक है, इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो 2020 में देख रहे हो तो यहां पे तो अभी कोरोना चल रहा है, सो किसी पॉइंट पे फाइट करने का मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो भी हो रहा है ना, अपना फ्री विल, ठीक है, आप जिन भी भगवान को मानते हो ना, उन्हें दे दो। हम बार बार सोचते रहते हैं यार ये कब खत्म होगा, मैं कब जाऊंगा, मैं ये काम कब करूंगा, मैं वो कब करूंगा, बट एक्चुअली ये एक ओवरऑल डेस्टिनी है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की डेस्टिनी है, जस्टिस है, कर्मा है, जो भी समझ लो, और वो हम सबको साथ में ही फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आप बहुत ज्यादा प्रेशर में मत रहो, ठीक है, और अगर आप कुछ कर सकते हो तो किसी को हेल्प करो, किसी को मोटिवेट करो, किसी कुछ अच्छा काम करो, और अगर आप कुछ ऐसा काम करते भी हो, ठीक है, लाइक एनीथिंग, आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, ठीक है, तो देखिए क्या कार्ड है, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइट बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए, या किसी से प्यार से बोल दिया, किसी को प्यार दे दिया, ठीक है, ये भी बहुत काफी है आज की दुनिया में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से निकल के आप एक लव और लाइट वाली सिचुएशन में आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि डियर आप लोगों की इच्छा है कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, काम की प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, अब आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, आपको अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब होता ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम। शायद आपकी हेल्थ डिटेरियरेट हो रही है इन सारी टेंशन की वजह से, तो आपको अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम चाहिए, जहां पे आप इंजॉय कर सको, रेस्ट कर सको, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका काम और अच्छा ग्रो करे। अगर आप अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप चाहते हो आपकी जॉब लगे और आपके काम में ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, करियर ग्रोथ हो। तो डियर आपकी ये जो सारी सिचुएशंस हैं, अगर मैं बात करूं ये कब सॉल्व होंगी, तो क्या इस साल सॉल्व होंगी? नो। क्या अगले साल? आई एम रियली सॉरी, नो। ठीक है, दो साल के बाद ये जो सारी सिचुएशन है ना, मतलब आप जो भी अपनी लाइफ में टफ चीज फेस कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि पैरों के नीचे ना बहुत ज्यादा बेड़िया बंधी हुई है और आपकी ग्रोथ, आपका बहुत धीरे धीरे चल पा रहे हो, तो वो जो चीज है ना, ये जो आपकी लाइफ एकदम से स्पीड अप पता है कब करेगी? एटलीस्ट 2 साल लगेंगे आपको इस चीज में। और पता है क्या, मैंने एक्चुअली जब पूछा कि ओके तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, सो कार्ड आया द डेविल। तो डियर आप, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा रूटीन है या आपकी कोई ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है, ठीक है, लाइक ईटिंग रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, कोई भी खराब खाना, या आपकी कोई ओल्ड हैबिट जो अच्छी नहीं है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, आप बहुत बेहतर जानते हो कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी खराब चीजें, नेगेटिव चीजें जो आप करते हो या आपसे छूटी नहीं जा रही कोई हैबिट, ठीक है, तो पहले उसे छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, हैव दैट स्ट्रांग विल, बहुत स्ट्रांग विल चाहिए इस चीज, क्योंकि पता है क्या, आपकी इस हैबिट ने, अब ये हैबिट कुछ भी हो सकती है, देखो ये आलस भी हो सकता है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, और एनीथिंग, ठीक है, और आप में से 1% लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, 1% के लिए, ठीक है, हो सकता है ये ब्लैक मैजिक भी है, ठीक है, और तो डियर अगर ब्लैक मैजिक आपको लगता है तो आप देवी की आराधना, ठीक है, माँ दुर्गा की आप आराधना कर सकते हो, और अगर अदरवाइज नॉर्मली आप इससे ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है, 21 डेज तक आप रिपीटेडली अगर करोगे ना तो आपकी ओल्ड हैबिट चेंज हो जाएगी या कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है वो चेंज होगी, ठीक है, एंड आपके लिए एक रेमेडी और है, ऑफर फ्लावर फूड एंड वाटर, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, जिन भी ईष्ट देवता है आपके, आप उन्हें मानते हो, आप उन्हें चढ़ाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट ईयर, स्पेसिफिकली नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा, अगर आप 2020 में ये वीडियो देख रहे हो तो 2021 कैसा जाएगा, या आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी साल में देख रहे हो, तो आपका नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा? तो डियर नेक्स्ट ईयर सबसे अच्छी जो चीज होगी वो होगी आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, लाइक
आपका जो भी हॉबी है, जो भी पैशन है, एनीथिंग, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, राइटिंग, एनीथिंग, मतलब आपकी जन्म पत्री में आपका थर्ड हाउस और आपका फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस होता है हमारे हॉबीज का, पैशन का, क्रिएटिविटी का और इवन संतान प्राप्ति का, है ना। तो ये सारी चीजों पे अगर आपने वर्क किया तो आपको फाइनेंसेस वाइज बहुत अच्छे चांसेस हैं, फाइनेंसेस वाइज कुछ ग्रोथ हो सकती है। अगर आप नॉर्मल जॉब में हो तो आपकी करियर में प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, एनीथिंग गुड, ठीक है। डियर मुझे आप लोगों का, येलो ग्रुप वालों का ना, फाइनेंसेस या मतलब अभी प्रेजेंट में और आने वाले टाइम में फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, ठीक है। आपके अंदर वो है कैपेबिलिटीज, वो स्किल्स है। अगर आप अभी नहीं कमा रहे हो तो आने वाले फ्यूचर में आप कमा लोगे, ठीक है, या कुछ अच्छा आप अपने लिए करोगे, ये तो मुझे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर, मतलब मैंने शायद आपको पहले भी बोला, फर्स्ट वाले पार्ट में भी बोला था कि शायद आप पे ब्लैक मैजिक है। अगर ब्लैक मैजिक नहीं भी है, और ब्लैक मैजिक वाले जो केस है ना, ये 0.001% ट्रू हो सकता है, प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट ये हो सकता है कि शायद वो होती ना बुरी नजर लगती है या इविल आई, आपको इविल आई से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी एक ऐसी स्टेज पे जा रहे हो और जाने वाले हो जहां पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, जहां पे आप शाइन कर रहे हो, जहां पे आपकी स्किल्स निखर रही है, ठीक है, और इवन आप लोगों की ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ निखर रहा है। बट फिर भी जो चीज रोक रही है ना आपको, वो है आपकी हेल्थ या किसी के बैड इंटेंशन, ठीक है, किसी के बैड इंटेंशन। तो आप प्रोटेक्शन के लिए आप जिन भी भगवान जी का मंत्र पढ़ते हो, या आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा कवच, जो भी आप करना चाहते हो आप वो करो, ठीक है। और जितना ज्यादा आप साइलेंस में मेडिटेट करोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शायद थर्ड आई जो है ना, वो धीरे धीरे खुलने जा रही है। बट बहुत ज्यादा आप किसी चीज को पकड़ के मत रखो, लाइक आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है, कोई चीज चाहिए आपको तो लाइक आप उस चीज के पीछे पूरी मेहनत करते हो, बट कभी कभी थोड़ा सा कंट्रोल थोड़ा ढीला छोड़ दिया करो। क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट ईयर पता है क्या है, आप लोग ऐसे लोगों के आसपास हो जहां लोग आपका शायद बहुत अच्छा नहीं चाहते हैं, ओके, तो उनका जो भी नेगेटिव इंटेंशन है वो आपकी हेल्थ पे नजर आ सकता है। तो देखिए यहां पे ये रेमेडी भी आई है, ड्रिंक वाटर इन कॉपर यूटेंसिल्स विथ येलो सिट्रीन और क्रिस्टल्स। और जितना हो सके आप अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखें, और इवन आप अगरबत्ती और या सेंट कुछ लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका करियर ग्रोथ, क्रिएटिविटी, इवन आपकी संतान प्राप्ति, आपका लग्जरी, कंफर्ट, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी। एंड मैंने कहा ना कि आपके आसपास कोई है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, सो देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड क्या है, डिटैचमेंट, बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल्स एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन, बट लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। और यहाँ पे भी कंट्रोल आया, अच्छा, ओके, सो पीपल आपको कंट्रोल करते हैं, लोगों की चीजें आप पे बहुत जल्दी इफेक्ट डालती है शायद, तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, एंड नो नीड टू वरी, बहुत ज्यादा इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर इज समथिंग बेटर। आप लोगों का जो ग्राफ है ना, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा रहे हो, बट फिर भी एक खुशी का, एक क्रिएटिविटी का, एक हैप्पीनेस का जो ग्राफ है ना, वो अच्छा जा रहा है, बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड डियर अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स में, मतलब आज से 2 और 3 साल बाद आपके साथ क्या हो चुका होगा, आपकी लाइफ कैसे हो चुकी होगी, तो देखिए आपके पाइल में 2 कार्ड्स बार बार गिरे, एक था एस ऑफ पेंटिकल्स और एक था एम्प्रेस। सो डियर इन दोनों कार्ड्स का तो जरूर से कोई मतलब है। सबसे पहला मतलब ये है कि मनी वाइज आपके नेक्स्ट ईयर 2-3 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट 3 ईयर्स तक की रीडिंग है, इसलिए मैं बता सकती हूँ नेक्स्ट 3 ईयर्स तक का। एंड किसी वुमेन से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, एनी वुमेन, ठीक है, उनसे आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आप लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए। और मतलब आप में से बहुत सारे लोग, बेबी, बच्चे, फैमिली, ये सारी चीजें दिख रही है मुझे, ठीक है,
तो डियर आप लोगों के लिए एज अ करियर ग्रोथ फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, आप बस काम करते रहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है, आई नो जब आप अच्छे पाथ पे जाते हो, बिल्कुल अप जाते हो, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ते हो, तो बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, स्पेशली आपके घर के लोग। ठीक है, बट ये 1 साल तक की कहानी है, बट जब 2 और 3 साल नेक्स्ट 2 एंड 3 ईयर्स में वो भी चीज हट जाएगी, जो भी लोग आपका खराब करना चाह रहे थे, नेगेटिव करना चाह रहे थे, वो भी कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पे वो जो सामने वाले लोग हैं ना, वो आपके लिए इनफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे। ओके, एंड देखिए ये 2 कार्ड तो बार बार गिरे ही, और ये कार्ड भी पहले भी गिरा, अब भी गिरा, बहुत पहले भी गिरा। सो, इस कार्ड का भी मतलब है, पहले वाले कार्ड में तो था, पहले वाले पार्ट में था कि आपकी हेल्थ, और अभी यहां पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हो गए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ो या आपके साथ कुछ अच्छा हो ना, ठीक है, तो कभी कभी कुछ होता है कि कुछ कुछ लोग अच्छा सोचते हैं और अच्छा हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके आसपास भी कुछ लोग जो हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका फाइनेंसिस करना चाहते हैं, तो वो हेल्प लो। ठीक है, मतलब देखिए यहां पे क्या है, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट। एंड यहां पे भी देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ये नाइट ऑफ कप्स, दोनों तरह की हेल्प, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, बट शायद आप उस स्टेज में नहीं होंगे कि ताकि मतलब उस स्टेज में जहां पे आप इन दोनों की हेल्प ऑफर कर सको, मतलब हेल्प ले सको, सॉरी। सो डियर आप इस चीज में ना रहे, इस स्टेट में ना रहे। ठीक है, और देखिए गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है ना, जो आपको लाइफ जैसे ले जा रही है, यूनिवर्स जैसे ले जा रहा है, जो हेल्प मिल रही है आप वो लो। ठीक है, वो हेल्प आपको नहीं पता लग रहा है इंसान से मिल रही है, पर यूनिवर्स ने भेजा होता है वो हेल्प के लिए। ठीक, बिकॉज नेक्स्ट 2-3 सालों में आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, लाइक यूनिवर्स के साथ आपका अभी भी कनेक्शन तो है, बट वो कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप यूनिवर्स के सिंबल समझ सकोगे, यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनिसिटी में वर्क कर सकोगे, एंड इट इज लाइक वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे भी ना एंजल का कार्ड आया, सो यस यू आर बीइंग गाइडेड, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, वाओ, सो गुड कार्ड्स। ठीक है, न्यू विजन, हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करो, आपकी क्रिएटिविटी लगाओ, आपका बिजनेस खोलो, कोई आपके काम को एक्सपैंड करो, ठीक है, बड़ा करो। ओके, है ना, और बस ये है कि आप जो आसपास के जो लोग हैं, या मतलब लाइक कोई जो हेल्प करना चाहता है उसको जरूर लेना, दैट इज दी ओनली वन थिंग जहां पे आप शायद परेशान हो सकते हो, वो गिल्ट रह सकता है, अदरवाइज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अब बात करूं कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए कि आपकी लाइफ और अच्छी रहे, सो फोकस। ठीक है, फोकस, जो यूनिवर्स से है ना अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करो, है ना, एक्शन लो, टेक एक्शन। अगर आप अभी कुछ काम नहीं करते हो, सो डू समथिंग फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर करियर। ओके, आप अभी कुछ स्टार्ट करोगे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। प्लस योर स्किल्स, जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड एनीथिंग, सर्टिफिकेट कोर्स, स्टडिंग, वो सारी चीजें करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी ऑल्सो अपनी ब्यूटी, अगर आप फीमेल हो तो अपनी ब्यूटी, अपने फैशन पे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेबल। ठीक है, एंड यस, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स। एंड अगर आप में से कुछ लोग जो अनमैरिड है, वो शादी के लिए अगर सोच रहे हो, तो सो गो फॉर मैरिज। और अगर अपना घर बनाना चाहते हो, लग्जरी कम्फर्ट, तो उस चीज पे भी ध्यान दो, बाकी अदरवाइज यूनिवर्स आपके साथ है, बाकी सब कुछ ना सब कुछ अच्छा है। ठीक है, एंड यस, यू आर, आपकी लाइफ में जो ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं या होंगी, इट इज बिकॉज पास्ट लाइफ का कर्मा, जो अच्छा कर्मा है आप लोगों ने किया, वो आपको पे बैक मिल रहा है, उसी की वजह से ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 येलो वालों की रीडिंग, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज किया है, तो डियर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 3 ईयर्स की, तो सबसे पहले पास्ट में जाके देखते क्या हुआ आपके साथ। तो डियर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 3-4 साल बहुत ज्यादा सरेंडर
कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, इन सारी चीजों में बीत गए, ठीक है। लाइक आप जिसको पसंद करते हो या उनको, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे उनके साथ, या कोई भी इंसान जिससे आप प्यार करते थे, ठीक है, वो प्यार किसी से भी कर सकते हैं, भाई बहन एनीबॉडी, ठीक है, कोई भी इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उसके लिए आपने बहुत कुछ किया। ऐसा लग रहा है कि लाइक आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए, ठीक है, कि सामने वाला इंसान नहीं जाए, ठीक है, सामने वाला इंसान रुक जाए, ठीक है, आपके पास रहे, या फिर मतलब आप जिसको लव करते थे या जिससे प्यार करते थे या आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में था, यू डिड एवरीथिंग, है ना, और आपने लोगों से फाइट करी, स्टैंड लिया और सब कुछ दिया अपना, ठीक है, बट आपको वो आउटपुट नहीं मिला जो इनपुट आपने दिया एक रिलेशनशिप में। अब ये जरूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप एक लवर का ही हो, ठीक है, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, हम किसी भी इंसान से प्यार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लव वाला रिलेशनशिप हो, बट यस एनीबॉडी, ठीक है, आपने किया बट सामने वाले इंसान ने आपकी कदर नहीं करी और वो उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया कि आपका ना फिर मन जो है वो भर गया, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पता है क्या, एक्चुअली आप दिल से इतने इनोसेंट हो, इतने इनोसेंट थे कि जब सामने वाले इंसान ने आपको प्यार दिखाया या कोई अच्छी पिक्चर दिखाई तो आप उस चीज में आ गए, और जो मतलब लाइक एवरी मतलब लाइक आपने अपने दिल से ना सारी चीजें करी, दिल से सामने वाले इंसान को खुश करने के लिए सारी चीजें करी, बट सामने वाला इंसान जो है उसने आपकी तो कदर तो नहीं करी और शायद वो अभी है भी नहीं आपके रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब आपको लगा कि हाँ वो इंसान चेंज होगा, चेंज होगा, पर हुआ ही नहीं, है ना, हुआ ही नहीं चेंज। आप इस चीज में वेट करते रह गए कि ये इंसान मेरे लिए बदलेगा, मेरे प्यार को पहचानेगा, पहचानेगा, नहीं, बट नहीं पहचाना, और फिर अब आपको लगा कि आपने अपना टाइम जो है एक्चुअली में वेस्ट कर दिया, ठीक है, एक रिलेशनशिप में, एक एफर्ट, मतलब अपने एफर्ट सारे जो भी थे सब वो यूं ही चले गए, जो भी आपने किया वो सब यूं ही चले गए, आपको ऐसा लग रहा है, लगा या हुआ आपके साथ, है ना। अब शायद आपको दुख हो रहा है इस चीज का ना कि मैं उस इंसान के लिए मैंने क्यों ये सब चीजें करी, ओके, देखिए नथिंग नेक्स्ट, मतलब जो भी चीज हुई आपके साथ, जो भी चीज हुई आपके साथ पास में, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, जीरो रिजल्ट, नो आउटपुट, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि शायद आपका भोलेपन का ना फायदा उठाया गया और पिक्चर कुछ और थी और कुछ और दिखाई गई, बहुत सारी चीजें दिख रही, ओके। और अब बात करते हैं आपके प्रेजेंट की, तो डियर देखिए आप लोग अभी अपने एक अच्छे टाइम से गुजर रहे हो, या अच्छा टाइम मतलब आपने जो पास्ट में जो भी करा है, मतलब पास्ट में जो भी अच्छा काम किया है, जिन जिन लोगों की हेल्प करी है या कुछ भी ऐसा कोई किया है, वो सब आपको पे बैक मिल रहा है या मिलने वाला है, ठीक है, मतलब जस्ट हैव दैट होप एंड फेथ, स्पेशली फाइनेंसिस वाइज आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, आपके करियर में कुछ ग्रोथ हो सकती है फाइनेंसिस को लेके, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, बट एक ये चीज है कि आप लोग अभी भी उदास हो, ठीक है, अभी भी उदास हो, इसीलिए आप जो भी चीज सोचते हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है ना, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो और उदास हो, इसकी वजह से आप जो भी चीज सोच रहे हो अच्छी चीज वो बहुत जल्दी नहीं मिल रही, ठीक है, और ये भी हो सकता है आप शायद करियर में मतलब लाइक करियर में आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग शायद ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कोई जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, कोई घर खरीदने का सोच रहे हो, या फिर मतलब ट्रैवल फॉर वर्क और एनीथिंग, ये चीज भी हो सकती है, ओके। हाँ, अगर मैं बात करूं आपकी उदासी के लिए, आपके दिल दिमाग में ना क्लैरिटी नहीं है, या ये भी हो सकता है कि शायद आप किसी इंसान से कोई रिप्लाई का वेट कर रहे हो, कोई जवाब का वेट कर रहे हो, या उस इंसान के पास आपका कोई पैसा है या कोई चीज है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो कि वो कब जवाब देगा, बट वो चुप है, वो जवाब नहीं दे रहा, और आपको दिल में डाउट हो रहा है कि सामने वाला इंसान शायद आपको धोखा दे रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, और आप लिटरली बहुत टेंशन में हो,
ये कोई भी चीज हो सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, पैसा हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, और आपको शायद बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज पे कि वो सामने वाला इंसान जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, और वो मतलब लाइक आपने जो चीज सोची थी उस एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरा। ग्रीन ग्रुप वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा, ठीक है, मतलब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उससे एक साल बाद, ठीक है, अगर आप 2020 में देख रहे हो तो 2021 या जब भी देख रहे हो एक साल बाद, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आप जो भी चीज प्लान कर रहे हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टडीज और बाहर जाना, बाहर जाके पढ़ाई करना, प्रॉपर्टी, घर खरीदना, बिजनेस को लेके कोई डिसीजन लेना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, अपने काम को एक्सपैंड करना, ये जो सारी जो चीजें ना, ये सारी चीजें बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। मतलब होता ना जैसे हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे बनाते रहते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर भी उन चीजों पे वर्क करते रहोगे, प्रिपेयर करते रहोगे, वर्क करते रहोगे, और मतलब एकदम से सडन रिजल्ट नहीं दिख रहा, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट यस इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप पे मेहनत करते रहोगे, अपने करियर पे, काम पे। एंड एक और चीज है नेक्स्ट ईयर, देखिए मुझे ना लव लाइफ की अगर बात करूं तो लव लाइफ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। आप जिसके साथ हो या तो वो इंसान सही नहीं है, या थर्ड पार्टी है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी ऐसी चीज दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप शायद रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, मतलब ये वाला जो रिलेशनशिप है ये हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, लवर का हो सकता है, किसी का भी, मतलब एक पार्टनर का, ठीक है, मेल फीमेल का, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, अगले साल हो सकता है जो सामने वाला बंदा है ना जो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं बताता, या वो आपको डिजर्व नहीं करता, मोटे बात कहूं, मतलब तो हो सकता है कि, ठीक है, 1% चांसेस है, मतलब कि आपकी लाइफ में एक नया लव आने के लिए जो खराब जो सिचुएशन है उसको एंड होना तो जरूरी होता है ना। सो अगर आप सामने वाला इंसान आपको सही ट्रीट नहीं करता या एनीथिंग लाइक नॉट गुड, नॉट हेल्दी रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि 1% चांस है कि शायद आप या तो थोड़े टाइम के लिए अलग हो सकते हो, या सेपरेशन, या वो सामने वाला बंदा खुद ही चला जाएगा, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि आप शायद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे कि यार अब मुझसे इस रिलेशनशिप को और निभाया नहीं जा रहा। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको डिजर्व नहीं करता, वो उसके साथ शायद बहुत ज्यादा टाइम ना चले। ठीक है, ये चीज हो सकती है। बट हाँ, जो नेक्स्ट ईयर है वो है आपकी ग्रोथ का, आपकी लर्निंग का, आपको आगे और बढ़ने का। देखिए, यूनिवर्स जब आपको कुछ देगा तो उससे पहले आप उसके लिए डिजर्विंग तो होने चाहिए ना, तो डिजर्विंग वाली जो पोजीशन है उस तक आने में टाइम लगेगा। देखिए क्या कार्ड है, लर्निंग, ग्रोथ, ठीक है, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। सो यस, आप बहुत चीजें लर्न कर रहे होंगे, बहुत चीजें सीख रहे होंगे, रिमेन पॉजिटिव। एंड ये भी चीज हो सकती है कि लिटरली कि थोड़े बहुत फाइनेंसिस को लेके भी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा, फाइनेंस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या रिलेशनशिप का तो मैंने बताया ही आपको। बस आपको क्या करना है, आपको ना लोगों के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जांचना है। मतलब आपके आसपास ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग खराब इंटेंशन के हों और वो आपकी लाइफ में आए बिकॉज ऑफ उनके सेल्फिश रीजन की वजह से, ये चीज हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो अभी भी आपकी लाइफ में हो और वो नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बट हाँ, आप बहुत ज्यादा टाइम तक इस चीज पे नहीं टिकने वाले अगर वो इंसान सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। या ये देखिए, और ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लव लाइफ में भी हो, बट आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपकी फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो नॉर्मल फ्रेंड्स में तो कोई इंसान हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीटिंग करे, या थोड़ा बहुत आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, और आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनकी वजह से आ सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स कैसे रहेंगे, तो मुझे ना सारे कार्ड देखे एक लाइन याद आ रही है, जिनका कोई नहीं होता ना उनका भगवान होता है।
पता है क्यों? क्योंकि आपके पाइल में एक तो अकेलेपन के कार्ड्स बहुत गिरे, ठीक है, लोनलीनेस और सैडनेस, इसके कार्ड बहुत गिरे, बट उसके साथ ही देखिए द क्रिएटर और द सोर्स, ये दोनों कार्ड्स भी गिरे। सो यस, पता है कि हो सकता है कि आप अभी अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा खुश ना हो, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा खुश ना हो, इवन कहीं पे भी आप जहां पे भी रहते हो आपके आसपास लोगों से आपका इतना ज्यादा वो होता है ना, बहुत ज्यादा कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत अकेलापन फील होता होगा इनसाइड, भले ही आप सब लोगों के साथ भी रह रहे हो। तो जितना आप अकेला फील करते हो, रिमेम्बर, देखिए यहां पे ना, अगेन यू आर नॉट अलोन, है ना, द क्रिएटर द सोर्स। सो ग्रीन कार्ड, आप लोग नॉर्मल, मतलब यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है, शायद आप किसी भगवान की भक्ति करते होंगे, तो जो भी जिन भी भगवान की आप भक्ति करते हो वो भगवान आपके साथ है, मुझे तो यहां दिख रहा है, ठीक है। और लिटरली ना साई बाबा के कार्ड में दिख रहा है कि आपके साथ हैं, देखिए कैसे ना गले लगाया हुआ है, तो वैसे ही शायद आपके साथ हैं और आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और नेक्स्ट 2 एंड 3 ईयर्स में देखिए सेलिब्रेशन, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, बहुत बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड्स, मतलब लाइक सारे विश, मतलब अच्छा टाइम आने वाले कार्ड्स है, ठीक है, नेक्स्ट 2 और 3 साल अच्छे टाइम, भले ही आप अकेले हो बट फिर भी आप जॉब करोगे, मतलब अगर आप जॉब ले सो तो जॉब लगेगी, मन चाहे जॉब, अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी होगी, मतलब अच्छा टाइम, ठीक है, गुड कर्मा, अच्छा टाइम, सेलिब्रेशन, ये सब चीजें हो सकती है। बट साथ ही साथ जो लोग, मैंने कहा था ना, आप लोगों की पाइल में लग रहा है कि आप लोग अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, या समथिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कि आप शायद दिल में सोच रहे हो कि यार मुझे अब इस यहां नहीं रहना है, मुझे अब जाना है, यहां से जाना है, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स में यू कैन, मतलब ये डिसीजन आप ले लो। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, ये थोड़ी सी नेगेटिव रीडिंग है, बट हाँ, अगर आप अभी अपने मैरिज लाइफ में या इन चीजों में खुश नहीं हो अपने करंट पार्टनर से, क्योंकि पता है क्या, देखो आपके पाइल में, ग्रीन वाले पाइल में, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार गिर रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गिर रहा है, और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेविल गिरा, तो यस, आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर से होती है, या मतलब नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, एंड आप लोगों को गलत समझा जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है, ये वजह रहती है आपके अकेलेपन की। यस, आपको कोई बहुत ज्यादा समझता नहीं है, एंड दैट्स वाई यू आर लेफ्ट अलोन। एंड भले ही आप अच्छी जॉब कर रहे हो बट आपके दिल में एक ये चीज रहती है कि यार मेरे साथ ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। एंड जब मैंने पूछा कि अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू, मतलब अभी आपको क्या करना चाहिए, सो देखिए आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो ना, ठीक है, आपके दिल बहुत साफ होगा, आपका इंटेंशन बहुत साफ होंगे, बट होता है कभी कभी हम क्या कहना चाहते हैं और क्या बोल जाते हैं, तो जो भी वर्ड्स यूज करते हो लिटरली शायद सामने वाला इंसान उसे गलत ले लेता है, तो अच्छा होगा कि आप जो इंसान आपकी बातों को गलत समझता है उस इंसान से बहुत ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन गैप या मिसकम्युनिकेशन आ जाता है। एंड ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार गिर रहा है, तो यस, आप लोगों की लाइफ में कोई एक इंसान तो है जो शायद सही नहीं है, और वो इंसान आपका फायदा उठाना चाहता है, या एनीथिंग लाइक ना, नॉट गुड इंटेंशन। तो अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने देते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज होगी। एंड सी देन क्या कर जाए, ठीक है, द स्टार, देखिए आपकी आपके जो पाइल है ना उसमें कार्ड ही ऐसे आए हैं जो दिख रहा है कि एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है, एंड यस, द होल यूनिवर्स इज विथ यू, वो आपके साथ हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और लिटरली आप लोग तो ऐसे लोग हो जिनकी लाइफ में कुछ अगर, मतलब लाइक आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको भगवान हर चीज में संभाल लेते हैं, हर कोई भी खराब चीज होती है ना उसमें भी संभाल लेते हैं, ठीक है, मतलब गिरने नहीं देते हैं आपको, ठीक है, इतना विश्वास रखो, आप के साथ भगवान तो है, ये तो दिखा, देखिए
अगेन एंजल का गार्ड, टेम्परेंस का गार्ड दिखा, यस एंजल्स, और इवन आपको एंजल नंबर दिखते होंगे और एंजल के साइन दिखते होंगे, फेदर दिखते होंगे, कुछ तो स्पिरिचुअल है आपके बीच में, यस आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, आप साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर बहुत अच्छी होंगी, है ना। और नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखिए आप में से बहुत सारे लोग शायद से बेबी कंसीव और एनीथिंग लग्जरी कंफर्ट कोई भी चीज हो सकती है, और इवन मतलब लाइक एक फेज कंप्लीट होना, लाइक कॉलेज स्कूल से कॉलेज में जाना, कॉलेज से नौकरी में जाना, नौकरी से शादी में जाना, कोई एक फेज आपकी कंप्लीट होगी, ये चीज दिख रही है ठीक है नेक्स्ट 2 and 3 ईयर्स में। और आपको अभी क्या करना चाहिए देखिए, है ना, आप एक तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिए, अपने फाइनेंस को बहुत सही से यूज करिए ठीक है, मतलब लाइक फाइनेंसेस को लेके होशियार हो जाइए। और अगर आप अभी सिंगल हो और आपकी एज है मैरिज वाली, है ना, और आप शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप शादी के बारे में सोच सकते हो, और अगर आपकी एज नहीं है आप तब भी आप हायर लर्निंग ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो, कोई मेंटर ढूंढ सकते हो अपनी लाइफ में, लाइक कोई ऐसा इंसान जो आपको अच्छा गाइड कर सके ठीक है। और मैंने कहा ना कि आप अकेले रहना शायद ज्यादा पसंद करते हो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये आपके लिए गाइडेंस आया सी, नो नीड टू वरी, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है। सौरो देखिए, यहाँ सौरो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अकेलापन दिखाता है और अकेलेपन में सैडनेस दिखाता है ठीक है, इस चीज को आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। एंड सी, गिव योर अलोन टाइम डेली टू गॉड, टॉक टू हिम, ये जो रेमेडी ना ये हमेशा नहीं आती, और अगर आपके पाइल में आई ना सो इट मीन्स कि कुछ तो है ठीक है, भगवान जी शायद इस पाइल के थ्रू मेरे थ्रू आपकी ये बुलवाना चाहते हैं कि आप भगवान जी से कनेक्टेड रहो, और अगर रहते हो तो बहुत अच्छी चीज है ठीक है, लाइक तभी यहाँ पे ना सारे ऐसे कार्ड आए। द फूल, एक टोटली न्यू बिगनिंग अगर आप करना चाहते हो ना तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो एक टोटली न्यू बिगनिंग है ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 4 ग्रीन कलर वालों की रीडिंग, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।